कोरोना काल के बीच मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसानों के ऊपर फर्जी तरीके से करीब 14 करोड़ रुपए का कर्जा लादने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने समिति प्रबंधक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिवपुरी के करेरा अनुभाग के 4 गांव के किसानों ने कलेक्टर से टीला की सहकारी संस्था के प्रबंधक पर फर्जी कर्ज लादने की शिकायत की है। किसानों ने कहा कि समिति के प्रबंधक ने करीब 1200 किसानों पर खाद बीज के नाम पर कर्ज चढ़ा दिया, जबकि किसानों ने कर्ज नहीं लिया था। मंगलवार को इसी शिकायत को लेकर टीला, दबरा, बड़ोरा और खैराई गांव के लगभग 100 किसान जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर को अपनी शिकायत दर्ज कराई। किसानों का कहना है कि प्रबंधक द्वारा किसानों पर करीब 14 करोड़ का कर्ज दर्शाया गया है। जिस किसान पर ट्रैक्टर ही नहीं है, उस पर ट्रैक्टर का कर्ज और 1 बीघा के किसान पर 6 लाख तक का कर्ज लादा गया है। हालांकि कलेक्टर ने किसानों को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये टीला सोसाइटी की बात है, इसमें 1200 किसानों पर कर्जा कर दिया है, किसी पर 2 लाख, किसी पर 7 लाख और किसी ने कोई कर्जा लिया नहीं है। अच्छा, फर्जी कर्जा है। फर्जी कर्जा हो गया है। हाँ। किस पर आरोप लगा रहे हैं आप? ये सोसाइटी प्रबंधक। सोसाइटी प्रबंधक ने घपला किया है जी। कुल कितना कर्ज होगा? 14 करोड़ का है कुल। 14 करोड़ पर किसानों पर कर्ज जबरन लाद दिया। कलेक्टर से किसान करेंगे क्या? या तो इन्हें आत्महत्या करना पड़ेगी। नहीं, अगर जांच के बाद भी कुछ नहीं होता है तो आप आगे क्या करोगे? अगले फिर आएंगे 7 दिन में, यहाँ आप पूरे 1200 के 1200 किसान आएंगे। उसमें एक मैटर तो कोऑपरेटिव बैंक का है कि जो ऋण माफ़ी की सूची बनी थी उसमें तमाम गलतियां हैं और लोगों ने ऋण लिया नहीं, उनके भी नाम आ रहे हैं अथवा बहुत बढ़ा करके नाम राशि सूची में आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। दूसरा मसला तहसीलदार खनिया थाना से संबंधित है कि गरीबों के जो पुराने मकानात हैं, जो कई सालों से बने हुए हैं, उनको गलत तरीके से तोड़ने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ कुछ सरकारी जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण जहाँ हटाना चाहिए था वो नहीं। बहरहाल कोरोना काल में प्रकृति की मार झेल रहे किसानों को उस कर्ज के बोझ तले दबा दिया है, जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं। फिलहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। शिवपुरी से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट।